एक बात बोले आपसे, बोले थोड़ा पहले पैसा चाहिए हमें। कितना कर दे पे फोन? नहीं, 6,000 के लिए है सामान। एक दिन पे हम सामने से बतियाते हैं, उसके बाद सिम तोड़ के फेंक देते हैं। ऐसा कोई लड़का है जो लड़की के बाद में लड़के को फंसा सकता है? तो हम है वैसा जो हम फंसा सकते हैं किसी को। अच्छा, आप किसी को फंसा सकते हैं जी? फंसा अपने आवाज में? अपने आवाज सुनकर तो मन गदगदा गया। कितना बार कॉल किए हैं आप? क्या मिलिएगा हमसे आप? ये बात जो बोलिएगा तो ये तो आदमी कहीं भी कोनो काम कर रहा होगा तो छोड़ के आ जाएगा मिलने। कितने लड़के को बर्बाद कर दिए प्रदीप जी आप? 50 कर दिए हैं। 50 लड़के को? नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं पूर्वी जंपरन में। हमारे साथ में 15 साल का ये लड़का है और ना जाने कितने अपने बातों के जाल में फंसा कर कितने लड़के का जिंदगी बर्बाद कर दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप कुमार है? कितने लड़के को बर्बाद कर दिए प्रदीप जी आप? 50 कर दिए हैं। 50 लड़के को जी? लड़की से भी नहीं? नहीं, लड़की से बात नहीं करते आप? नहीं, लड़की से बात नहीं करते हैं। लड़के से केवल बात करते हैं जी? मैंने क्यों लड़के से बात करते हैं? इसलिए बात करते हैं, थोड़ा पैसा वैसा मंगाना था, रिचार्ज कर, जब भी रिचार्ज खत्म होता था तो करा लेते हैं रिचार्ज। उसके बाद उसको ब्लॉक कर देते हैं। क्या क्या? उसको ब्लॉक कर देते हैं रिचार्ज करा के, पैसा मंगा के, और मतलब उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो शादी किससे करना है? शादी किससे करना है? लड़का से कि लड़की से? लड़की से करना है। कैसे? लड़की से। लड़की से मतलब लड़की से जी? लड़का से नहीं? नहीं, अरे लड़का कमा कर देगा। कमा कर देगा तो हम उससे रिचार्ज करा के ब्लॉक कर देते हैं तो फिर हम? लड़की कमा कर थोड़ी देगी? नहीं देगी। नहीं नहीं देगी तो फिर लड़का से क्यों बात करते हैं आप? बात इसलिए करते हैं जो कि थोड़ा मोबाइल रिचार्ज खत्म होता है, मोबाइल रिचार्ज करा लेते हैं। लड़की रिचार्ज नहीं करेगी? नहीं करेगी वो। तो केवल पैसे के लिए लड़का से बात करते हैं जी? कभी पिटाई नहीं ना लड़के? नहीं नहीं, कभी नहीं पिटाई। 50-60 जो है लड़के को बर्बाद, मतलब अपने रिचार्ज करवा के जो है ब्लॉक कर देते हैं जी? एक सिम पे हम सामने से बतियाते हैं, उसके बाद सिम तोड़ के फेंक देते हैं। अच्छा, फिर दूसरा सिम ले लेते हैं जी? दूसरा सिम ले लेते हैं। किसके नाम से सिम लेते हैं? ये 10 रुपए में निकलता है सिम, ये हमारा 10 रुपए में निकालते हैं, मैंने 5 को निकाल लेते हैं। हाँ। दोस्त है हमारे सब, उसी के नाम पर निकाल के उसके बाद रख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे बतियाते हैं, बतिया कर मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, अपने दोस्त का भी करा लेते हैं। हाँ। और अपने भी पैसा? हाँ। कुछ गरज रहता है तो पैसा भी मंगा लेते हैं। हाँ। और उसके बाद बोलता है मिलने के लिए, बस ब्लॉक करके उसको सिम तोड़ के फेंक देते हैं। अच्छा जी, मतलब धोखा है कि नहीं? धोखा तो है। ऐसे करते हैं? बस ऐसे ही करते हैं। तो ऐसा कोई लड़का है जो लड़की के बाद में लड़के को फंसा सकता है? तो हम है वैसा जो हम फंसा सकते हैं किसी को। अच्छा, आप किसी को फंसा सकते हैं जी? फंसा अपने आवाज में? अपने आवाज पक्का? पक्का। तो चलिए, इनका कहा नाम है कि लड़का जो है आजकल के जमाना में बहुत तरह लड़कियों पे मैंने फिदा है, मैंने कहे तो अगर कहीं जाती है तो उसके पीछे पड़ जाता है। और जो है यही सबक सिखाते हैं कभी कभी किसी लड़के को, जो है बात करते हैं अपने आवाज में अपने पटाकर, उससे पैसे लेते हैं और फिर जब पैसे इनके पास आ जाते हैं तो उस लड़के को ब्लॉक कर देते हैं। आइए बात करते हैं अब हमारे हमारा एक दोस्त है, उनके नंबर देते हैं इनको और कहते हैं कि आप जो है अपने फोन से उस लड़के का नंबर लगाइए और बात कीजिए, क्या आपके बातों से क्या वो लड़का पट रहा है या नहीं पट रहा है। दे नंबर एक, ये मेरा दोस्त के है, ठीक है? नंबर लगाइए और बात कीजिए कैसे आप उसको पटाते हैं। अब नंबर लगाइए और उसको पटा लेना है, पूरा पटा लेना है। उसके पास बहुत पैसा है, ठीक है? 4 चक्का है, BMW है, फॉर्चूनर है, कार है, सब कुछ है। हाँ, उसे आप चाहे ना तो मैंने आप एक रात में आप मतलब अमीर बन जाइएगा, उसको पटा लीजिए। चलिए, हम दे दिए हैं मतलब करोड़पति वाले दोस्त का नंबर और इनको पटाना है उसको, और चाहे तो मैंने इनको गिफ्ट में जो है फॉर्चूनर भी दे सकते हैं। चलिए लगाइए, फोन लगाइए। हेलो, नेहा? नेहा कहाँ से? यही अरेस्ट से। आप नहीं पहचानते हैं क्या जी? पहचान, आवाज से तो पहचान में आ रही है, लेकिन बुला गए होंगे, ज्यादा दिन बाद फोन किया, वो नया नंबर से फोन आया है। यही हम लोग जो मैट्रिक में पढ़ रहे थे, आपके क्लास साथी हैं। अच्छा, कितना दिन बाद फोन किया, इतना दिन से कहाँ थे? कहाँ थे आप, हमको बुला गए थे। अरे हम क्यों बुलाएंगे आपको, अपना कोई जान के कोई बुलाता है? आप जी बुला गई थी, कोई नया कोई आपको बॉयफ्रेंड मिल गया होगा इसलिए हमको बुला गई होगी आप? नहीं यार, हम थोड़े बुला सकते हैं, आप बुला गए थे, ठीक है ना? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। अविन कहाँ है तू? अभी तो मैं अपने मैंने इधर आए हैं घूमने। ओ क्या, और सब बताइए, शादी ब्याह हो गया का? नहीं, अभी कहाँ पे हो गया शादी ब्याह आपका? मेरा अभी नहीं हुआ है, आप ही के चलते। जब आपका भी नहीं हुआ तो अभी हमारा कैसे हो जाएगा जी? ओ, नंबर ही याद था का, इतना दिन बाद कॉल की है? ये नंबर आप हम जो पढ़ रहे थे ना, तो आपके कॉपी में से लिए थे, ठीक है ना? अच्छा जी, इतना दिन बाद तभी याद पड़ गया।
जी हम आपसे चुरा नुका को बात नहीं करते थे आपसे। तब और से बताइए ना। सब ठीक है, अपना सुनाइए। सब ठीक है, आवाज सुनकर तो मन गदगद आ गया। कितने बार कॉल किए हैं आप, क्या मिलिएगा हमसे आप? ये बात जो बोलिएगा तो ये तो आदमी कहीं भी कोनो काम कर रहा होगा तो छोड़ के आ जाएगा मिलने के लिए। जी तो सुनिए ना, हम अभी इधर मार्केट में है, ठीक है ना? मार्केट में होंगे तो कहाँ अभी मार्केट में? नहीं यार, आज मंदिर के पास है अभी। आप अकेले हैं कि और कोई है? नहीं, एक हमारे माने सखी है, दोस्त। तो दोस्त है तो फिर कैसे मिल पाएगी दोस्त से? अकेले चलना होगा तब ना मिला जाएगा। नहीं वो भी आई, नहीं वो भी मिलने आई है, ठीक है ना? अच्छा दूसरा किसी से? जी तो आ जाएगा। हाँ तो आप भी आ जाइए, ठीक है ना? ओ तो चलना होगा कहीं तो दूसरा जगह, ठीक है चल चलेंगे। सुनिए ना, पहले एक बात बोले आपसे। बोले थोड़ा पहले पैसा चाहिए हमें। पैसा चाहिए? क्या गलत कोई है का पैसा के? यही मार्केटिंग करना है, ठीक है ना? पैसा थोड़ा घट गया है। उसके लिए कोई बात नहीं है, उसके लिए पैसा के लिए टेंशन काहे ले रही है? जब कहिएगा तब दे देंगे, कहिएगा तो खाता में डाल देंगे, अन्ना जी तो कहिएगा तो आएंगे तो कैश दे देंगे। नहीं पे फोन, सुनिए ना पे फोन करने दीजिए, ठीक है ना? पे फोन जी, पे फोन। हाँ पे फोन कर दीजिए, अभी सामान लिए थोड़ा यहीं पे फंस गए हैं। ठीक, कितना कर दे पे फोन? यही 6000 के लिए है सामान। 6000? जी। ओ तो पे फोन नंबर बोलिए, अपना नंबर बताइए। ठीक है लिखिए। बोलिए लिखिए। 87 87 98 कितना बोली है? 96 6000 बोली है? 6000 बोले हैं, ठीक है ना? ठीक है, और भी कितना है कुछ सामान? नहीं इतना ही घटा था, शादी में जाना है ना। अच्छा शादी में जाना था इसीलिए हमको थोड़ा पैसा घट गया है। अच्छा अच्छा, 6000 6000 6080 रुपए डाल देते हैं, ठीक है ना? ठीक है डाल दीजिए। एक मेरे तरफ से जी, एक मेरे तरफ से। हाँ बोलिए ना। एक गंजी आप किन लीजिएगा अपने लिए? अच्छा ठीक है आप डाल दीजिए। तो मैंने किनिएगा ना जी, खरीद लेंगे। ठीक है रुकिए एक मिनट, देखिए क्या। नहीं अभी तो नहीं है, अभी नहीं गया, शॉर्ट कर रहा है, चला गया। हाँ ठीक है चल, आ गया, ठीक है ना? आ गया जी, हम आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, बहुत मन कर रहा है। अच्छा ठीक है आइए, हम आधा घंटे में आइए, ठीक है ना? अच्छा आधा घंटा में, ठीक है। भागिएगा मत हमारे यहाँ, आधा घंटा में नहीं भागेंगे आपसे। जब आप फोन कर दिए तो हमको बहुत ज्यादा मन करने लगा, हम आ रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है आइए, हम आधा घंटा में बात करेंगे आपसे, ठीक है ना? ठीक है, वेट कीजिए, हम तुरंत वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ठीक है ठीक है, ओके बाय बाय। तो चलिए, हालांकि देखे कि आप लोग कि इनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं थे, हमारे दोस्त थे, और किस प्रकार से जो है अपने बातों में उनको फंसाए और फंसा करके 6000 रुपए जो है अपने पे फोन में मंगा लिए। और जानते हैं क्यों? ये जो है परचून के दुकान पर गए थे और कोई सामान खरीद रहे थे, ये लड़की है लिपस्टिक खरीदने के लिए और क्या क्या खरीदने के लिए जो है इनको पैसा पे फोन पर डाल दिए हैं। और देखिए बाकी इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, एक बार अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।